सो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूँ स्नैपशीट से इस तरह का फ़ोटो एडिटिंग, जैसा कि आप लोग वीडियो में देख पा रहे होंगे। सो गाइस, तो ऐसा एडिटिंग करने के लिए आप लोगों को 4 से 5 स्टेप को फॉलो करना पड़ेगा, और आप लोग 4 से 5 स्टेप को फॉलो करेंगे तभी फ़ोटो एडिटिंग ऐसा हो पाएगा। सो गाइस, अगर चैनल पर नए आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। सो गाइस, तो चलिए सबसे पहले मैं अपनी स्नैपशीट एप्लीकेशन को ओपन कर लेता हूँ। उसको ओपन कर देने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आपको दिखने को मिलेगा। उसके बाद प्लस वाले आइकन पर क्लिक करेंगे और हमें जिस भी फ़ोटो को एडिट करना होगा मैं उस फ़ोटो को सिलेक्ट कर लूँगा। सो गाइस, तो देखिए मैं अपना फ़ोटो सेलेक्ट कर लेता हूँ। मैं आज इस फ़ोटो को एडिट करने वाला हूँ। उसके बाद देखिए पेंसिल वाले आइकन पर क्लिक करेंगे और बिनटेक को ले लेंगे। इसको ले लेने के बाद गाइस देखिए क्या करना है हमको, ब्राइटनेस को कम कर देंगे, -46 कर लेंगे और सैचुरेशन को -100 कर लेंगे। उसके बाद हम सही वाले आइकन पर क्लिक करके बैक हो जाएंगे। उसके बाद एडिट स्टॉक पर क्लिक करेंगे और व्यू एडिट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे बिनटेक इस पर क्लिक करके ब्रश को ले लेंगे। ब्रश को ले लेने के बाद गाइस आपको क्या करना है, केवल स्किन को इरेज कर देना है। तो गाइस, तो देखिए मैं इरेज कर देता हूँ, केवल स्किन को ही इरेज करना है और किसी चीज को इरेज नहीं करना है। सो गाइस, तो देखिए ये मैं इरेज कर ले रहा हूँ। अगर आप लोग चैनल पर नया आए हैं तो प्लीज़ गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को बिना फॉरगेट किए देखिएगा, तभी आप लोगों को किसी भी प्रकार की एडिटिंग समझ में आएगी। सो गाइस, तो पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा और चैनल पर नया आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। मैं जल्दी जल्दी कर ले रहा हूँ इरेज। गाइस, आप लोग आराम से कीजिएगा, जितने अच्छे से करेंगे देखिए अच्छे से होगा। तो गाइस, तो देखिए हम सही वाले आइकन पर क्लिक कर देंगे और यहाँ से बैक हो जाएंगे। बैक हो जाने के बाद हमको क्या करना है, एक PNG ऐड करना है, जिसको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप लोग वहाँ से जा करके डाउनलोड कर सकते हैं। तो गाइस देखिए, हम इस पर क्लिक करके ऐड को क्लिक कर लेंगे। ऐड पर क्लिक कर देने के बाद गाइस आपको क्या करना है, इसको एडिट स्टॉक पर क्लिक करके देखिए हमको क्या कर रहे हैं। इसको ले लेने के बाद आपको बैकग्राउंड को बैक में कर देना है। ये बैकग्राउंड ही है ना। सो गाइस, मैं इसको बैक में कर दूंगा देखिए। सो तो कुछ ऐसा एडिटिंग हो जाएगा। ऐसा एडिटिंग हो जाने के बाद आपको क्या करना है गाइस, मेरा लास्ट स्टेप रहेगा। हम यहाँ से शेयर कर लेंगे अपने Lightroom एप्लीकेशन में। सो गाइस, तो देखिए मेरा फोटो शेयर हो रहा है Lightroom एप्लीकेशन में। तो मैं Lightroom एप्लीकेशन में एंटर हो चुका हूँ। उसके बाद देखिए ऑल फोटोज पर क्लिक करेंगे और मैं जिस भी फोटो को यहाँ पर लाया रहूँगा गाइस, तो मैं एक प्रीसेट यूज करने वाला हूँ, जैसा कि मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रीसेट को भी दे दूंगा, आप लोग वहाँ से जा कर के डाउनलोड कर सकते हैं। सो गाइस, तो देखिए हमको 3 डॉट पे क्लिक करके यहाँ पे देखिए कॉपी सेटिंग, इस पर हम क्लिक कर देंगे और सही वाले आइकन पर क्लिक कर देंगे। यहाँ से हम बैक हो जाने के बाद हम अपने फ़ोटो को सेलेक्ट कर लेंगे, जिस भी फ़ोटो को शेयर किए रहेंगे, और इसको 3 डॉट पे क्लिक करके पेस्ट सेटिंग पर क्लिक कर देंगे। सो गाइस, तो कुछ ऐसा एडिटिंग हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, इसको ले लेना है और सैचुरेशन को बढ़ा देना है। सो गाइस, देखिए मेरा फोटो एडिटिंग हो गया है, बहुत ही अमेजिंग।
आप लोग यहाँ से जो भी इफेक्ट डालना चाहते हैं बहुत ही सिंपल तरीक़ों से डाल सकते हैं। सो गाइस, तो देखिए एडिटिंग हो चुका है, बहुत ही अमेजिंग। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर गाइस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और आप लोगों को जैसा कि मैं आज बता दे सकता हूँ, यहाँ से देखिए शेयर वाले आइकन पर क्लिक कर देंगे और सेव टू डिवाइस फ़ोटो को गैलरी में सेव कर लेंगे। अगर गाइस वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल पर नया आए हुए हैं तो।